मैं अजय शर्मा, नोएडा केमिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। आज यहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई है। हम नारकोटिक्स को गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से बैन करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जगह जगह हमारी मीटिंग्स हैं। बरौला में इसी मीटिंग का उद्घाटन मधुसूदन ने किया है, बाकी सब लोगों ने किया है। हमारी इन लोगों से यही गुजारिश है कि हम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स से लोग नशा आदि कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। जो प्योर प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी के माध्यम से दवाइयाँ दी जाएंगी। आगे कभी भी फ्यूचर में इन सब लोगों ने, जैसे कि हमारे साथ आपने भी सुना है, शपथ खाई है कि ये किसी भी तरीके का इस तरह का बिजनेस नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ इन्हीं मुहिम को हम आगे ले जाते हुए पूरे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से नारकोटिक्स ड्रग्स को बैन करेंगे, जो कि बार बार शासन से आदेश आ रहे हैं और वो पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। ये जिस तरीके होता क्या है कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर ये न्यूरो के अंदर मेडिसिंस यूज में आती हैं, न्यूरो डॉक्टर्स लिखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बनती है, बट वो जितनी बनती है उतनी यहाँ ज़रूरत है नहीं। लोग उसको बिजनेस बना रहे हैं कि 10 रुपये के पत्ते को 50 रुपये में सेल करके अपनी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए। जब ज़्यादातर नोएडा में ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है हम जा के उन लोगों को करेक्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज़ पर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान न दें। उससे बहुत सारी और चीज़ें हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, उन पर ध्यान दिया जाए। हम पहले उनको वार्निंग देंगे कि ये चीज़ें ना की जाए। जैसे कि अब मैं कह रहा हूँ, बार बार हर जगह जगह पे जाके, हर सेक्टर वाइज, हर गांव वाइज, हर तहसील में हम मीटिंग कर रहे हैं। पहले हम उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया ये आप ना रखें, और नेक्स्ट टाइम में नहीं तो हम प्रशासन अधिकारियों के साथ उनको बंद करके जो भी कार्रवाई उचित होगी प्रशासन की वो करेंगे उनके खिलाफ। एजेंडा है, वो एजेंडा ही है नारकोटिक्स ड्रग्स को पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बैन करना। सब आप लोग भी जानते हैं, आजकल जितने कम उम्र के बच्चे हैं वो छोटे छोटे नशे करके अपनी लाइफ को डेड करते हैं। इस चीज़ को हमें रोकना है और पूर्ण जोर से रोकना है। क्या इस चीज़ में, मुहिम में आप सब लोग साथ हैं एसोसिएशन के साथ? क्या हम इसमें एक शपथ लें कि आज के बाद हम कोई भी नारकोटिक्स ड्रग अपने उसमें नहीं रखेंगे? नारकोटिक्स के अंदर जो भी प्रतिबंधित मेडिसिन हैं, सभी से गुजारिश है कि वो अपने केमिस्ट पे ना रखें। इवन बच्चों को तो प्रतिबंधित ही कर दें कि बच्चों को देनी नहीं होती, और कोशिश ये करें कि